ददौरा थाना क्षेत्र के ग्राम हरचंदपुर में 29 सितंबर को 26 वर्षीय अरुण कुमार पुत्र शिव प्रसाद को उसके चाचा बाबू मिस्त्री ने घरेलू विवाद के चलते मंदिर के सांग से हमला बोलकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या करने के बाद आरोपित चाचा मौके से भाग गया था। दिवंगत की पत्नी सपना की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की थी। कई दिनों से हलाकान पुलिस ने शनिवार को मुखबिर की सूचना पर आरोपित को कोतवाली कालपी के सोहरापुर के पास से पकड़ लिया। सरकार की ओर से रामनगरी में लगातार 7 वर्ष से भव्य दीपोत्सव का आयोजन कर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया जाता रहा है। पिछले वर्षों में आयोजित हुए दीपोत्सव के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 8वें दीपोत्सव को हर बार के दीपोत्सव से और अधिक भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या जिला प्रशासन रात दिन एक कर दीपोत्सव को यादगार बनाने में जुटा है। करवा चौथ पर चांद का दीदार करने के लिए बाजार में लटकनी छलनी और स्पेशल पूजा थाली महिलाओं को खूब पसंद आ रही है। इतना ही नहीं, मिट्टी और चाइनीज करवे भी इस बार धूम मचाए हुए हैं। हाल यह है कि पहली बार में ही महिलाओं को यह चीजें भा जा रही हैं। हालांकि त्योहार पर 10 से 15% रेट बढ़े हैं, पर खरीदारों पर कोई असर नहीं है।